भला तूफान क्या टकराएगा मेरे सफीने से। कुरान पाक की बरकत है लिपटी मेरे सीने से। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, बंदों के वास्ते है सहारा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। सुन ले तुझे बताता हूँ ताकत कुरान की, तू जानता नहीं है हकीकत कुरान की। मुल्तान में रहती थी एक अल्लाह की प्यारी, और उसके साथ रहती थी एक नन्ही नवासी। हर रोज वो करती थी तिलावत कुरान की, वहाँ भी दे कुरान थी नानी जान थी। बख्शा खुदा ने था उसे तोहफा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। माँ बाप की दौलत उसे विरसे में मिली थी, थे उसके चचा तीन, नियत उनकी बुरी थी। एक रात उसके घर में वो चुपके से आ गए, और उसका मुंह दबा के वो जंगल में ले गए। बच्ची को जालिमों ने जमीन पर पटक दिया, बोले तेरे माँ बाप को हमने कत्ल किया। अब तेरी कब्र खोद के तुझको सुनाएंगे, और तेरी जायदाद पे कब्जा जमाएंगे। बच्ची ने ये सुना तो वो कहने लगी, चचा मैं हाफिज़े कुरान हूँ, ईमान है मेरा। आई है मेरी मौत तो मालिक की है रजा, वरना न कर सकोगे मेरा बाल भी बीका। शैतान हो तुम लोग बिगाड़ोगे क्या मेरा, तुम मारने वालों से बड़ा है मेरा खुदा। बच्ची की बातें सुन के चचा तीनों हंस दिए, तलवार लेके मारने उसकी तरफ बढ़े। पढ़ने लगी कुरान की आयत वो बार बार, करने लगी अल्लाह की रहमत का इंतजार। जैसे ही वार करने को तलवार उठाई, वैसे ही एक शेर ने की उन पे चढ़ाई। तीनों को चीर फाड़ दिया, खत्म कर दिया। वो शेर की शक्ल में फरिश्ता खुदा का था, वो क्या मिटेगा जिस पे हो साया कुरान का।
अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। हम पे भी रहम कर दे करम अपना दिखा दे, शैतान की साजिश को तू नाकाम